सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला SSCED 5 किलोमीटर का डाइट प्लान से रिलेटेड। आपको सब कुछ बताने वाला है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपको क्या खाना चाहिए, क्या क्या खाइएगा, तो आपका जो 5 किलोमीटर का टाइमिंग बहुत आसानी से कम हो जाएगा। और वर्कआउट से रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाल दिया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा, आप एक अच्छा वर्कआउट चाह रहे हो 5 किलोमीटर का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, उस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो भाई मेरा एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। SSCED का हमारा बैच स्टार्ट है, अगर आप भी अपना सीट कन्फर्म चाहते हो, अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप एकेडमी आके ज्वाइन कर सकते हो, हमारा बैच स्टार्ट है। तो चलिए बात करते हैं डाइट रिलेटेड, आपको सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक क्या क्या खाना चाहिए और कैसा डाइट प्लान होना चाहिए। सबसे पहले आपको सुबह उठते के साथ ही क्या करना है, आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उस पानी में आपको आधा चम्मच शहद मिला लेना और हाथ में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, खाना है, पीना है और उसके बाद फ्रेश होने जाना है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका जो डाइजेशन का इश्यू है वो ठीक होगा, आप इससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। इससे क्या होगा कि आप रनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हो, उससे भी लड़ने में हेल्प करेगा। आपके बॉडी में जो आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हेमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बन पाता है, जिसके कारण दिन भर बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हो, तो उससे लड़ने में भी हेल्प करेगा। ये आपका बोन को भी स्ट्रांग करेगा और साथ ही साथ आपका जो गला सूखता रनिंग के दौरान, उससे लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये पहला हमारा डाइट टिप्स हुआ जिसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद जब आप फ्रेश व्रेश हो जाते हैं, ग्राउंड जब जाने लगते हैं, तो 2 खजूर लीजिए, 2 अंजीर लीजिए। ये भी आपका डाइजेशन का इशू को लड़ने में हेल्प करेगा, उससे साथ साथ आपके बॉडी में जो एनर्जी नहीं रहती है, इससे लड़ने में हेल्प करेगा, बोन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा और साथ ही साथ जॉइंट पेन वगैरह जो होता है उससे लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके अलावा आपके बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है उसको दूर करेगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा और साथ ही साथ आप वर्कआउट में अपना 100% लगा पाओगे और जो आप इंजरी वगैरह रहते हो उस इंजरी को भी सेव करेगा। और जो है तो होता ना ऐसा कि आप वर्कआउट करते हो और खाली पेट जाते हो तो कुछ लगता है कि एफर्ट लगा ही नहीं पा रहे हो, तो आप हल्का फुल्का ये सारे चीज़ खा के जाओगे तो आपको क्या करेगा कि आप एफर्ट भी लगा पाओगे और आप अपना 100% दे पाओगे और आप अपने से खुश हो पाओगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा डाइट टिप्स। अब बात करते हैं कि आप जब ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तो हो गया सुबह उठने के बाद आप ग्राउंड पहुंचे, ग्राउंड में जब प्रैक्टिस करते हो उस दौरान क्या कर सकते हो, तो उस दौरान आप इलेक्ट्रोल पाउडर जो आता है, सिंपल इलेक्ट्रोल पाउडर, उसका प्रयोग कर सकते हो। उसके साथ साथ आप नींबू पानी या शहद का घोल का प्रयोग कर सकते हो, ये भी आपके बॉडी को क्या करेगा कि हाइड्रेटेड करेगा। देखिए जब हम वर्कआउट करते हो तो हमारा पसीना निकलता है, तो ऐसा नहीं कि पसीना जो निकल रहा बस पानी है, उससे हमारा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीट होता है, चाहे वो क्लोराइड हो, पोटासियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए आप इलेक्ट्रोल पाउडर ले सकते हैं या फिर नींबू पानी और शहद का घोल का प्रयोग कर सकते हैं। आप एक रेपिटेशन लगाएं, हल्का सा पिए, फिर लगाएं, फिर हल्का सा पिए, इस तरह से आप बीच बीच में पानी पी सकते हो। ये मानसिकता एकदम नहीं करना है कि आप रनिंग स्टार्ट करोगे, जब पूरा ख़त्म कर लोगे तभी पानी पियोगे। आप हल्का हल्का गला भिंगाना चाहते हो, हल्का प्यास लगता है तो पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा सुबह में वर्कआउट तक का डाइट टिप्स। अब बात करते हैं कि जब आप वर्कआउट कंप्लीट करके निकलते हो तो आप क्या कर सकते हो। जब आप वर्कआउट करके निकलते हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो आप बैग में कोई भी एक फल रख सकते हो, जैसे कि सेब हो गया, केला हो गया, ये लेके रख सकते हो। अगर लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा, आप एनर्जेटिक हल्का महसूस भी कर रहे हो, तो आप नॉर्मल घर आइए। घर में आकर आपको क्या करना है, आपको रात में चना और मूंग को फूलने देना है, साथ ही साथ उसके साथ आप दलिया ले सकते हो, उसके साथ आप अंडा ले सकते हो। जो हमारा एकेडमी का डाइट है यही है, चना, मूंग, गुड़, दलिया और अंडा। अगर आप इसके अलावा कुछ चाहते हो तो आपके घर में जो सब्जी बनता है, रोटी बनता है, आप वो ले सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा मल्टीविटामिन ले लो, कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन आप यूज़ कर सकते हो। मल्टीविटामिन क्यों यूज़ करना चाहिए, वो इसलिए यूज़ करना चाहिए ताकि आजकल का जो खाना उसमें मिलावटी ज़्यादा है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हम अपने बॉडी का पूरा कर लेते हैं, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जहाँ विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और यही विटामिन और मिनरल्स छोटे छोटे चीज़ मिलकर हमारा बॉडी को स्ट्रेंथन करता है और रनिंग का परफॉर्मेंस बढ़ाता है। तो आप एक अच्छा मल्टीविटामिन लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो आपका नाश्ता तो हो गया, अब थोड़ा देर आप रेस्ट कीजिए, और नाश्ता में आप ओट्स भी ले सकते हैं, आप अगर शकरकंद वगैरह लेना चाहते हैं, स्वीट पटेटो, तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप अपना फ्रूट का सेशन रखना चाहते हैं सुबह में, फ्रूट वगैरह से नाश्ता करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर घर में हरा सब्जी वगैरह बनाए, रोटी बनाए, तो वो भी खा सकते हैं। उसके बाद आप नाश्ता के बाद थोड़ा देर रेस्ट कीजिए, अगर आपको कोई काम वाम है, पढ़ाई वढ़ाई करना है, तो वो कीजिए, और 11:30 बजे के आसपास एक छोटा सा फ्रूट सेशन रखिए, जहाँ पर जो भी मौसमी जो चीज़ें चल रहा है उस फ्रूट को लीजिए। जैसे कि अभी आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि विटामिन सी की जो कमी आपके बॉडी में वो दूर होगा, और विटामिन सी का कमी से आपका क्या होता है कि मसल्स ज़्यादा खींचने लगता है, आप एनर्जेटिक नहीं महसूस करते हो रनिंग के दौरान, तो आपको क्या मिलेगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप अगर फ्रूट वगैरह नहीं ले सकते उस जगह पर, तो आपको मैं विटामिन सी का टेबलेट आता है, 1-2 रुपये में मिलता है, आप उसको ले सकते हो उस समय, और उसके बाद आप चाहिए अपना खाना खाने
खाना खाते हैं आप 12:30-1 बजे के आसपास खाना खाइए। खाना में आप क्या ले सकते हैं, नॉर्मल चावल। बहुत लोग चावल से डरते हैं कि चावल खाएंगे तो पेट फूल जाएगा या फिर मोटे हैं तो और मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चावल खाइए, उसके साथ अपना दाल लीजिए। दाल में आप क्या करें कि घी मिलाए 1/2 चम्मच। घी आपको क्या बेनिफिट देगा, जो आप रनिंग के दौरान आपका जो कटकट आवाज़ करता है, फिर ऐसे भी घुटना में दर्द रहता है तो उससे लड़ने में हेल्प करेगा, जॉइंट पेन से आपको रिलीफ देगा, साथ ही साथ आपका चेहरा वगैरह में थोड़ा ग्लो भी देगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप जो हरा सब्जी है तो हरा सब्जी लीजिए। साथ ही साथ आप और क्या ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट वेट खराब रहता है तो आप दही भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट वेट जो चीज़ें हैं, इन सारा चीज़ डाइजेशन अच्छा से नहीं रहा, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले सुबह उठते के साथ ग्राउंड आने के बाद जो अंजीर उंजीर बताया उसके बाद आप डायरेक्ट दही लीजिए। आपसे इससे क्या होगा कि दिन भर आपका जो है ठंडा भी महसूस होगा, और बहुत लोगों डाइजेशन का इशू होता है, अगर आप दही लीजिएगा और दही में साथ में इसबगोल का भूसी मिलाकर मात्र 8 से 10 दिन अगर आप कंटिन्यूअस ले लेते हैं 1/2 कटोरा, तो आपका डाइजेशन का इशू एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। और दोपहर में आप क्या ले सकते हो, साग वगैरह ले सकते हो, सैलेड ले सकते हो, हमारे भाषा में सलाद बोला जाता है और इंग्लिश भाषा में थोड़ा सैलेड बोलते हैं लोग, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, अगर आपको वेट लॉस का ज़्यादा इशू है तो आप सलाद को पहले खाइए और उसके बाद आप खाना खाइए। और खाना चावल वगैरह क्वांटिटी थोड़ा कम कीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना, भर पेट खाना है। बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्लेट है वो 3 से 4 कलर कम से कम उसमें हो, मतलब 4 कलर दिखे तो हाँ, 3-4 कलर लगे। आप जैसे चावल हो गया आपका, आपका दाल हो गया, आपका सब्जी हो गया, ठीक है, आपका साग हो गया, आपका सलाद हो गया, पापड़ हो गया, दाल में घी हो गया, अगर इसके बाद भी कुछ लेना चाहते हो तो छोटा सा दही ले लो लास्ट में। तो ये हो गया दोपहर का खाना। अब बात करते हैं कि आप जब दोपहर खाने के बाद आप रेस्ट करते हो तो रेस्ट कीजिए, अगर पढ़ाई वढ़ाई करते हो तो फिर से आपका जो काम है वो कीजिए। अब जब बात आता है कि शाम में आप ग्राउंड जाते हो 4 बजे के आसपास, तो उससे पहले क्या खा सकते हो, तो शाम में आप क्या खा सकते हो, शाम में जब आप वर्कआउट करने जाते हो तो उससे 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट पहले आपको क्या करना है कि पीनट बटर ले सकते हो और साथ में ब्राउन ब्रेड एक स्लाइस बनाओ और उसको लेके जाओ। इससे क्या होगा, पीनट बटर में हेल्दी फैट रहता है, साथ साथ ये आपका प्रोटीन का जो कमी हो बॉडी में वो दूर करेगा, ये आपका जो टेंशन डिप्रेशन रहता है उससे भी लड़ने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपके बॉडी में आपके जॉइंट पेन जो होता है उससे लड़ने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ये आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि मोटे लोग इसको नहीं खा सकते, मोटे लोग भी खा सकते हैं और पतले लोग के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा मसल्स गेन करने के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मोटे लोगों के लिए वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। साथ साथ ये आपके हार्ट के जो प्रॉब्लम होता है उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप पीनट बटर ब्राउन ब्रेड का उपयोग कर सकते हो, नहीं तो आप जो दोपहर में रोटी खाना चाहते हो या रोटी नहीं खाए हो तो वहाँ से 1 से 1.5 रोटी ले आओ, लगाओ, खा के जाओ ग्राउंड, उसके बाद अपना जो एक्सरसाइज करो, एफर्ट वगैरह लगाओ। अब बहुत लोग कंफ्यूज ये होंगे कि आपको कौन सा पीनट बटर यूज़ करना चाहिए, कौन सा ब्रांड का। तो पर्सनली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वह है पिंटोला का पीनट बटर, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके बहुत सारे वेरिएशन है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो अगर आप भी कोई अच्छा पीनट बटर लेना चाहते हो तो मैं इस ब्रांड के साथ आपको भेजना चाहूँगा, आप इस ब्रांड को ले सकते हो। और साथ ही साथ ये इंडिया का बहुत अच्छा बिकने वाला पीनट बटर, और आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसका ब्रांड का नाम जरूर सुना होगा, पिंटोला का पीनट बटर। तो बहुत नामी, आप आग बन करके ले सकते हो, कोई दिक्कत समस्या है नहीं। अब बात करते हैं कि आप ग्राउंड गए शाम में, ग्राउंड वगैरह में एफर्ट वगैरह लगाएं, या ज़्यादातर ग्राउंड में शाम में जो है बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शाम में लोड ज़्यादा लेते हो तो शाम में रनिंग कीजिए, सुबह में थोड़ा इजी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह भी एफर्ट लगा रहे हो शाम भी बहुत एफर्ट लगा रहे हो तो जितना भी डाइट ले रहे हो वो कम पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 किलोमीटर जो बात होता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो उसमें हमें लंबा रनिंग भी करना पड़ता है, हमें ओवरऑल सभी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, चाहे हमारा रेपिटेशन वर्कआउट हो, चाहे हमारा स्ट्रेंथ वर्कआउट हो, चाहे इंडोरेंस वर्कआउट हो, चाहे हिल ट्रेनिंग हो, सभी चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि शाम में हल्का लाइट कीजिए, और उसके बाद फिर शाम में जब आप निकलते हो तो आप क्या कर सकते हो, 1/2 घंटे 45 मिनट के अंदर आप 2 से 3 अंडा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, बहुत लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि अगर शाम में वर्कआउट से पहले 1 घंटा पहले 45 मिनट पहले या फिर 1.5 घंटा पहले कुछ खा लेते हैं तो पेट में बहुत ज़्यादा भारी भारी महसूस होता है और उल्टी उल्टी महसूस होता है और बहुत बार उल्टी भी हो जाता है। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको प्री वर्कआउट डाइट बताया है शाम का, उस समय आपको क्या बताया, आपको बताया ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर या फिर पीनट बटर रोटी, तो उसको स्किप करके आप क्या कर सकते हो, पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हो। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको पता होगा कि जब हम रनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, और जब एफर्ट लगता है तो कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होता है, और उसके बाद हमारा बॉडी न्यूट्रिशन खोजता है, कैलोरी का रिक्वायरमेंट खोजता है। तो आप वहाँ पर ले सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट पोस्ट वर्कआउट का भी काम करेगा। इसमें आपको हेल्दी फैट भी मिल जाएगा, जो आप
पीनट बटर मैंने आपको बताया, पिंटोला वाला पीनट बटर, इसमें आपको हेल्दी फैट भी मिल जाएगा, साथ में आपको प्रोटीन का भी रिक्वायरमेंट जो आपका बॉडी का उसको भी पूरा करेगा, साथ में आपको कार्ब भी मिल जाएगा ब्राउन ब्रेड से और रोटी से। तो आप ये भी डाइट टिप्स पोस्ट वर्कआउट में भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। अगर प्री वर्कआउट में आपको दिक्कत होता तो आप पोस्ट वर्कआउट में भी उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और जब बात करते हैं अब रात का, रात के लिए आपको क्या क्या डाइट टिप्स फॉलो करना चाहिए, डिनर में क्या क्या खाने में ऐड ऑन कर सकते हो वो भी आपको बताते हैं। रात में बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है। रात में बहुत लोग क्या करते हैं, भर थाली खा लेते हैं, चिकन बनवाते हैं, अंडा बनवाते हैं, मछली बनवाते हैं, खास करके चिकन ज़्यादा चलता है, चिकन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है डाइजेशन में इशू देता है सुबह में, बहुत लोगों के साथ ये समस्या होती होगी। तो आपको रात में नॉर्मल खाना खाना है, थोड़ा खाना है, ताकि सुबह में आप जो है एफर्ट लगा पाए। तो आप और खाना जब भी खाओ चबा चबा के खाओ, कम से कम 10 से 15 बार अच्छे से चबाओ, क्योंकि जो हमारा स्लाइवा होता है इसी में जादू होता है, यही आपका डाइजेशन वगैरह जो है सारा चीज़ यहाँ तक ठीक करेगा। अगर यहाँ से आप अच्छे से चबा खाओगे तो यहाँ सारा चीज़ ठीक रहेगा, ठीक है। तो रात में आप क्या कर सकते हो, रात में आपका जो चीज़ें बना है नॉर्मल घर का खाना खाओ, रोटी हो गया आपका, सब्जी हो गया, अगर आप चिकन वगैरह बनाते हो तो चिकन खाओ, अगर आप अंडा वगैरह खाना चाहते हो, अंडा का सब्जी वगैरह बनाते हो तो खाओ, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर आप पनीर वगैरह बनाना चाहते हो तो खाओ। अगर ये सारा चीज़ अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते हो तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, आप वहाँ पर आपका जो नॉर्मल सब्जी रोटी चलता है वो खाओ, ठीक है, और उसके साथ एक गिलास दूध मार लो। तो ये हो गया हमारा रात का डाइट। अब बात करते हैं कि जब आप रात में सोने जाते हो, बिस्तर में जाते हो, तो उस समय आप क्या ले सकते हो। तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दो हर्ब, नेचुरल हर्ब जिसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, आप अश्वगंधा और शिलाजीत ले सकते हो। अश्वगंधा का पाउडर भी आता है, कैप्सूल भी आता है, तो आप दोनों फॉर्म में कोई भी फॉर्म ले सकते हो, कैप्सूल भी ले सकते हो, पाउडर भी ले सकते हो। पाउडर लेने से बहुत लोगों को मतलब अंदर में टेस्ट उसका अजीब टाइप का लगता है, तो एक दो बार के बाद छोड़ देते हैं, तो आप उस समय टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। साथ ही साथ आप शिलाजीत का ड्रॉप वाला आता है, तो ड्रॉप वाला लगाइए, 3-4-5 ड्रॉप मारिए, और आप उसी में अश्वगंधा पाउडर मिला दीजिए या फिर अश्वगंधा टैबलेट ले लीजिए और उसी में ड्रॉप मार दीजिए शिलाजीत का, 5 से 6 ड्रॉप। उससे क्या होगा कि आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपका जो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण हमारा मसल्स बिल्डिंग, मसल्स स्ट्रेंथन जो होता है, जो बहुत बार क्या होता है कि आपका मसल्स और आपका जो बॉडी इसीलिए वीक रहता है, आपका बोन का जॉइंट इसलिए वीक रहता है कि आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो उसको भी रिप्लेनिश करने में, उसको भी अच्छा करने में अश्वगंधा और शिलाजीत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपके बॉडी को एनर्जेटिक रखने में और तरोताजगी लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और रात में जब आप अश्वगंधा लेते हो ना, अश्वगंधा और शिलाजीत, तो इसमें एक ऐसी जादुई शक्ति है जो आपका टेंशन डिप्रेशन को दूर भगाता है, और आपका बॉडी में जो कार्टिसोल नाम की जो हार्मोन होती है, डिप्रेशन वाला या फिर बोलो टेंशन वाला हार्मोन, जो बैड हार्मोन रहता है, तो उससे लड़ने में हेल्प करता है और आपको अच्छा नींद लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो रात भर में आपको नींद बहुत ज़्यादा टूटता है। तो अश्वगंधा शिलाजीत अगर आप बेड में जाने से पहले लेते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप शिलाजीत का टैबलेट लेते हो तो सुबह में नाश्ता के बाद, मल्टी विटामिन के बाद भी ले सकते हो। अब बात आया कि ये सारा डाइट टिप्स तो आपने देख लिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी 90% लोगों के केस में ये डाइट सूट करेगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा मोटे होंगे या बहुत ज़्यादा पतले होंगे, तो उनके लिए अलग से डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। अगर उसके लिए आपको दिक्कत समस्या है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो, कुछ चार्ज लगेगा, 400 रुपये के आसपास आपको वहाँ पर आपका डाइट प्लान मिल जाएगा, ठीक है। यही हो गया हमारा डाइट प्लान। और कुछ लोगों को कुछ कुछ सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि देखो मुझे पता है कि क्या सप्लीमेंट का क्या काम होता है और किस लोगों को कैसा सप्लीमेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए पर्सनल आप ट्रेनिंग का तो मैंने बता दिया, वो कभी मैंने बताया नहीं था, लेकिन इस बार GD में दे रहा हूँ, तो आप ले सकते हो। साथ ही साथ आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर हम आपको सब कुछ बताएंगे और आपका बॉडी को देख के बताएंगे आपका बॉडी में किस चीज़ का कमी है, और कभी कभार ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं तो किस चीज़ का कमी आता है, वो सप्लीमेंट भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही था वीडियो जो मैंने आपको बताया, सारा डाइट टिप्स इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। साथ ही साथ आप पीनट बटर को जरूर उपयोग कीजिए, इसमें हेल्दी फैट भी रहता है, आपको हेल्दी फैट भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने आपको जैसा कि बताया, आप यूज़ कर सकते हो पिंटोला का पीनट बटर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो, इस ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया था और पर्सनली मैं पिछले 3-4 महीने से इसको यूज़ भी कर रहा हूं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत नाम चलता है इनका इंडिया में, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। पीनट बटर आराम से किसी भी साइट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से ही बाय कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत समस्या आपको वहां से हो रहा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको किस टॉपिक पे दिक्कत है आप बताइए, मैं जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का तैयारी करूंगा और वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका जो गोल है उस गोल के प्रति आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, सही गाइडेंस मेहनत कीजिए। और अगर आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बच्चे हैं। कोई लोग बोलते हैं कि सर मैं दिल्ली से हूँ,
तो भाई हमारे पास कश्मीर तक के बच्चे हैं, तो आप वहाँ से भी हो तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल।